प्रिय अलवर वासियों नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, जिला कलेक्टर अलवर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जिला प्रशासन की लड़ाई आप सभी के सहयोग के साथ लगातार जारी है। इसी लड़ाई के तहत लगातार पूरे जिले के अंदर टेस्टिंग का कार्य आगे बढ़ रहा है। उस टेस्टिंग के तहत कई कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हो सकता है कि हमारी नज़रों से परे रह जाते, वो लगातार मेडिकल की टीमें डोर टू डोर, फील्ड टू फील्ड जाके उनको ढूंढने का प्रयास कर रही। इसी कड़ी के अंदर आज अलवर ज़िले के अंदर एक साथ 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। किसी भी साथी को, किसी भी अलवर वासी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तकरीबन 600 सैंपल टेस्ट हमारे एक साथ गए थे। उन 600 सैंपल टेस्ट में से ये 11 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इन 11 टेस्ट पॉजिटिव जो आए हैं, इनकी सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यानी कि हमें ट्रेस करना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति कैसे कोरोना पॉजिटिव आया है, उन सभी की हिस्ट्री मेडिकल टीम्स के पास है। अच्छी बात इसमें यह भी है कि ना केवल वो लोग जो कॉन्टैक्ट में आए थे, बल्कि ऐसे लोग जो कहीं बाहर से ट्रैवल किए थे, जो किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट में आए थे, उन सभी लोगों को हमारी मेडिकल टीम ने बड़े तरीके के साथ आइडेंटिफाई किया, उनके सहयोग के साथ उनका टेस्ट लिया गया, और इससे पहले कि वो कोरोना को और आगे फैलाते, उन सभी लोगों का आइडेंटिफिकेशन करते हुए अब उनको आइसोलेशन की प्रक्रिया की जा रही है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ज़िले में कुल 5,500 टेस्ट अभी तक किए जा चुके हैं। उनमें से कुल अभी तक 31 पॉजिटिव केसेज आए थे। 6 लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होके बिल्कुल स्वस्थ, नेगेटिव होने के बाद अपने घर पे हैं। 6 लोग ऐसे हैं जिनके टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं और केवल फॉर्मेलिटी बाकी है, उन लोगों को भी डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सभी केसेस जो अभी तक भी रिपोर्ट हुए हैं, ये सभी एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं। एसिम्प्टोमैटिक से भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति कोई सीरियस साइंस नहीं दिखा रहा है, बहुत माइल्ड या बिल्कुल नहीं के मात्र उनके सिम्टम्स हैं। आशा यही है कि ये सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर जाएंगे। मैं सबसे पहले तो अलवर वासियों से, खास करके अलवर शहर वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप कतई घबराएं नहीं, कोई पैनिक नहीं करें। हर चीज़ के ऊपर जिला प्रशासन की पूरी पकड़ है। आप सभी के सहयोग के साथ हम हर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को कंटेन किया जा सके। दूसरा मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जैसे जैसे कोरोना के पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई होंगे, आप सभी लोगों को पुलिस का, प्रशासन का, हमारी मेडिकल टीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है, क्योंकि कोरोना महामारी के तहत हम सब जब एक टीम बन के प्रयास करेंगे तो ज़रूर आइडेंटिफिकेशन भी होगा और बात सामने भी आएगी। इसके साथ साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस कोरोना महामारी में लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो, चाहे उसको ट्रीट करने वाले वार्ड बॉय नर्सेज हों, या हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हों, इवन पुलिस की, प्रशासन की टीम हो, हम सब लोगों को आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। किसी भी कोरोना पॉजिटिव को हम लोग किसी भी दूसरी नज़र से नहीं देखें, वो भी हमारे बीच का ही हिस्सा है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, इससे किसी भी प्रकार की कोई घबराहट की या कोई घृणा करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके और हमारे जैसे एक मानव हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग धैर्य रखें, प्रयास करें कि हम लोग किसी भी इस प्रकार के अगर व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं या खुद को हमें सिम्टम्स दिखते हैं, तो हम लोग खुद आगे चल के आएँ। हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं, ये पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आप लोगों की एक कॉल के ऊपर, चाहे वो हमारे कंट्रोल रूम पे हो, चाहे हमारे मेडिकल कंट्रोल रूम पे हो, या आप किसी भी प्रकार से हमें इनफॉर्मली भी अवगत कराना चाहेंगे, तब भी हम लोग, मेडिकल मशीनरी हमारी पूरी तरीके से तैयार है। अंत में मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक ज़िले के अंदर कोरोना महामारी को देखते हुए हमने एक लगातार एक कंट्रोल रखा है। वो कंट्रोल केवल और केवल आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सजगता से है। अब ये सजगता हमें और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अलवर शहर के अंदर जब ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो नेचुरल वे में हमें और ज़्यादा मुस्तैदी रखनी पड़ेगी। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि हम लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, लेकिन हम लोग और ज़्यादा सजग हों। चाहे लॉकडाउन की कंडीशंस किसी भी प्रकार से चेंज हों,
चाहे कर्फ्यू किसी एरियाज में लगाने पड़े, ये सभी चीज़ें आपके आपके परिवार की सुरक्षा के लिए की जा रही हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का सहयोग इस महामारी को लड़ने के लिए लगातार इसी प्रकार से बना रहेगा और हम इस महामारी को हराने में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।